मेरा नाम अमोल है और आप देख रहे हैं लूम सोलर का वीडियो ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताऊंगा कि माउंटिंग स्ट्रक्चर का आपके पैनल्स के लिए क्या यूज है और इसको कैसे इंस्टॉल करें। पैनल्स बाय करना तो आसान है क्योंकि आपको ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन माउंटिंग स्ट्रक्चर आप कहाँ से बाय करेंगे? इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लूम सोलर ने पोर्टेबल माउंटिंग स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही सॉलिड है और इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है, इसको लॉन्च किया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि माउंटिंग स्ट्रक्चर कैसे रखना है, क्वालिटी कैसी है, कितने प्राइस का मिलेगा और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। साथ में आपको दिखाऊंगा कि इसके बेसिक चेक्स क्या होते हैं इंस्टॉल करने से पहले। आपको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, पीछे एक 1 किलोवाट का यानी कि 250 वाट के 4 पैनल जिसमें इंस्टॉल होते हैं उसे 1 किलोवाट का सिस्टम बोला जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी हेवी है। इसके ऊपर 1, 2, 3 और 4 पैनल्स को माउंट करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये एक नट बोल्ट सिस्टम है, जो आप ये रॉड्स या रेल्स देख रहे हैं या फिर जो लेग्स देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा नट बोल्ट सिस्टम है। घर में हम लोग छोटा सोलर सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें कि 2 पैनल्स या फिर 4 पैनल्स यूज़ करते हैं, तो मैं आपको अभी लाइव डेमो 2 पैनल्स का दिखाऊंगा और उसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए यानी कि सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें कि आपको 2 छोटे लेग्स मिलते हैं, ये रहे छोटे लेग्स, 2 बड़े लेग्स मिलते हैं, ये हैं बड़े लेग्स और इनको पडलिंस बोलते हैं, यानी कि इनको हम 2 लेग्स के बीच में रख देंगे, इसको भी हम 2 लेग्स के बीच में रख देंगे। साथ में आपको मिलता है टोटल 8 नट बोल्ट सिस्टम। ये जो बड़े वाले 4 नट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बड़े वाले 4 नट हैं ये पडलिन और लेग्स को फिक्स करने के लिए हैं, और ये जो आप छोटे वाले नट बोल्ट सिस्टम देख रहे हैं इसे हम पैनल को स्क्रू करेंगे, टाइट करेंगे। सो अब इसका इंस्टॉलेशन कैसे करें, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ये 12 वोल्ट का सिस्टम है, यानी कि 12 वोल्ट में जितने भी पैनल्स आते हैं, 100 वाट का हो, 125 वाट का हो, 150 वाट का हो या फिर 180 वाट का हो, कोई भी पैनल कितने भी वाट का 12 वोल्ट में और किसी भी कंपनी का इसके ऊपर फिट हो सकता है। अभी चलिए इसको फिट करते हैं। सबसे पहले हमने लेग्स को यहाँ पर साइड में ऐसे रख दिया और फिर मैं इसको नीचे रख देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे नीचे रखता हूँ, और हमने साथ में खड़े कर दिए 4 लेग्स। अब हमारा क्या काम रहेगा, इसको हमें ऐसे फिक्स करना है, इसको हम इस साइड रखेंगे, ये बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। अब इसको बोलते हैं पडलिंग्स। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप इंस्टॉल करें, ये जो छेद आप होल देख रहे हैं इसको कैप्सूल होल बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी जो आपके पैनल का छेद है वो इसके ऊपर टिकेगा। तो हम इसको भी ऐसे नट बोल्ट की सहायता से ऐसे फिक्स कर देंगे, ऐसे फिक्स कर देंगे। तो अभी करते हैं इसको फिक्स। मैंने एक साइड का जो सिस्टम है इसको फिक्स कर दिया है, जैसा कि आपको बताया था ये छोटा लेग है और एक बड़ा लेग है, साथ में मिलता है आपको एक पडलिंग। तो मैंने बताया था कि टोटल 4 नट बोल्ट मिलते हैं, तो 2 नट बोल्ट से जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसको मैंने टाइट कर दिया है और इसको फिर मैंने टाइट कर दिया है, यानी एक साइड का जो पोर्शन है वो रेडी कर दिया है। अब हम रेडी करेंगे दूसरा पोर्शन, फिर नट बोल्ट की हेल्प से इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। हमें ध्यान क्या रखना है कि जो कैप्सूल वाला होल है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे टाइट करेंगे। अभी हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने क्या किया, 2 छोटे लेग्स को हमने आगे रखे, 2 बड़े लेग्स को हमने पीछे रखे, साथ में पडलिंग्स को इससे नट बोल्ट के सिस्टम से टाइट कर दिया। हमें ध्यान क्या रखना था कि ये जो कैप्सूल वाले लॉक हैं ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसमें भी कैप्सूल्स वाले लॉक ऊपर की तरफ है और इसमें भी कैप्सूल्स वाले लॉक ऊपर की तरफ है, यानी कि इंसुलेशन हमने ठीक से किया है। अभी पैनल्स को रखेंगे कैसे, ये जो आप होल देख रहे हैं, पहला होल और दूसरा होल, जो आपका पैनल होगा वो वर्टिकल होगा, और इसको हम ऐसे रखेंगे पहले पैनल को, और दूसरे पैनल को हम ऐसे रखेंगे, और ये जो नीचे का बेस देख रहे हैं इस पर टोटल 1, 2, 3, 4 होल दिए गए हैं। अब इसका काम क्या है, अगर आपके छत में प्रोविज़न है RCC का बना हुआ है तो आप ड्रिल मशीन से होल करेंगे और इसमें फास्टन डाल देंगे। अगर आप फास्टन यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि कई बार जब छत में छेद करते हैं तो बारिश का पानी से नीचे जा सकता है और आपका छत खराब हो सकता है, तो
तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको सिविल वर्क करा देते हैं। सिविल का मतलब क्या होता है कि हम इसके साथ में ईंट रख देंगे और सीमेंट का घोल बना के इसको हम फिक्स कर देंगे। आपको दिखाता हूँ कैसे। ये इंस्टॉलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसान है। जो इसका बेस है इसके साथ में हमने क्या किया, हमने ब्रिक्स रख दिए, हमने 1, 2, 3, 4 ब्रिक्स बना दिया, यहाँ पे इसे ऐसे रख दिया। आप क्या करेंगे, आप जो सीमेंट और रोड़ी का घोल है इसके हम अंदर डाल देंगे ताकि ये पूरा का पूरा सॉलिड हो जाए। अगर ये एक बार सॉलिड हो गया तो कितनी भी तेज़ आंधी क्यों ना आए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं हिलेगा। इस स्ट्रक्चर की खास बात क्या है, एक तो पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरा, ये GI का बना हुआ है। GI का मतलब होता है ग्लेवलाइज्ड आयरन। इसमें कभी भी रस्ट या जंग नहीं लगता। जब हम सोलर सिस्टम 25 साल के लिए लगाते हैं तो हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि आपका जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है वो भी उतना ही टाइम चले। ये काफ़ी हेवी 80 माइक्रोन का बना हुआ है और बहुत ही हेवी है, इसमें कभी भी जंग आपका नहीं लगेगा। साथ में आप किसी भी कंपनी का सोलर पैनल बाय करें 12 वोल्ट में, वो 100 वाट का हो, 150 वाट का हो, 180 वाट का हो, ये उसी के ऊपर इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। अभी हम वापस एक पैनल डालेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। जब पैनल डालेंगे तो पैनल के अंदर टोटल 4 होल होते हैं। एक पैनल को इंस्टॉल करने के लिए टोटल हमें 4 नट बोल्ट सिस्टम चाहिए। तभी हम 180 वाट का इसके ऊपर पैनल्स डाल के देखेंगे कि कैसे फिट होगा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ऊपर का और एक पार्ट नीचे का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कैप्सूल वाले होल है, ये जो स्पेस है एक पैनल का है और इसके ऊपर जो स्पेस था दूसरे पैनल का था। तो हमने ऊपर की साइड पे एक पैनल जो कि 180 वाट का है ये डाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मोनोक्रिस्टाइन पैनल्स है जो कि लूम सोलर काफ़ी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है और इससे आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। आप अगर हम चाहें तो दूसरा पैनल्स भी इसके ऊपर डाल के उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी हम दूसरा पैनल जो कि 160 वाट का है हम उसको डालते हैं ताकि पूरा का पूरा फ्रेम वर्क कम्प्लीट हो जाए। आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें इशू क्या रहता है कि अगर आप सिंगल पैनल बाय करेंगे तो भी आपको यही स्टैंड बाय करना पड़ेगा, अगर आप 2 पैनल बाय करते हैं तो भी आपको यही स्टैंड लेना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है, साथ में एक्सपेंडेबल है। आज आपने एक पैनल रख लिया, जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसका दूसरा पैनल डाल सकते हैं। जानने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर 180 वाट का पैनल सनफ्यूल का और 160 वाट का पैनल लुमिनस का कैसे इंस्टॉल हो गया। जब हमने इसको समझने की कोशिश करी तो हमें पता लगा कि जो पैनल का विड्थ है, यानी 160 वाट के पैनल का विड्थ है 2.2 फिट, इसका विड्थ भी 2.2 फिट है। जब हमने इसका लेंथ मेजर किया तो हमें पता लगा इसका लेंथ है 4.10 फिट और इसका भी जो लेंथ है वो 4.10 फिट है। यानी कि पैनल का डायमेंशन बिल्कुल सेम है, वो 150 वाट का हो, 160 वाट का हो या 180 वाट का हो। इसीलिए एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर आप किसी भी कंपनी का 12 वोल्ट का जो सोलर मॉड्यूल है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा इसका इंस्टॉलेशन करना कितना आसान है। साथ में जो स्ट्रक्चर है आपको लूम सोलर की वेबसाइट पर मिल जाता है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत लोग ये मेरे से पूछते हैं कि आप इसका प्राइस क्यों नहीं बताते, क्योंकि एक प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से बात कर रहे हैं। दूसरा, और प्राइस चेंज भी हो सकता है, आज कुछ और प्राइस हो सकता है, बाद में प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आपको प्राइस देखने के लिए लूम सोलर की वेबसाइट को चेक करना ही होगा। आज की वीडियो में इतना ही है।